વાપીની હરિયા એલજી રોટરી હોસ્પિટલમાં મોટાપણ દૂર કરવા માટે અસરકારક બેરિયાટ્રિક સર્જરીની સેવા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે। બેરિયાટ્રિક સર્જરીના નિષ્ણાત ડોક્ટર મનીષ મોટવાણી અને તેમની ટીમ મુંબઈ હરિયા હોસ્પિટલમાં સર્જરી માટે મુલાકાત લેશે, જેના કારણે વલસાડ જિલ્લાના દર્દીઓને હરિયા હોસ્પિટલમાં જ બેરિયાટ્રિક સર્જરીનો લાભ મળી રહેશે। से यहाँ आते हैं तो वापी के कितने लोगों को आप ऑपरेट किया है और इसके लिए वापी सेंटर क्यों आप चूज किया? देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच, आज आपने हमारा इंटरव्यू लिया। मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है और जिनमें ज़्यादा मोटापा होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते और उसकी वजह से बहुत बार वो आदमी घर में ही बैठ जाता है, बाहर निकलता नहीं और एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मेरे लाइफ का एंड ऐसा ही होने वाला है। बेरियाट्रिक सर्जरी ऐसे लोगों के लिए एक रे ऑफ होप है कि आप नई ज़िंदगी मिल सकती है, बेहतर ज़िंदगी मिल सकती है और अपनी ज़िंदगी आप बढ़ा भी सकते हो और सुधार भी सकते हो। वापी, वलसाड, उमरगाँव, धानू, दमन, सिलवासा, ये एरिया से हमने बॉम्बे में, चाहे वो जसलोक हो, हिंदुजा हो या हमारी आस्था हॉस्पिटल हो, हमने करीबन 750 से 800 पेशेंट ऑपरेट किए हैं और ये कमती नंबर नहीं है। अगर हम एक लोकेलिटी में देखें कि इतने रेडियस में अगर इतने सारे पेशेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत पेशेंट हैं जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। मोटापा ऐसी बीमारी है कि अगर 100 जनों को मोटापा है ना तो 100 में से 2 जन बाहर निकलेंगे ट्रीटमेंट लेने के लिए, बाकी 98 अंदर घर में बैठे हुए हैं, जो एक तो खुद अपनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो घर में ज़्यादा फिर दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं और उनके ऊपर मेडिकल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर उनके घर के बाजू में ट्रीटमेंट दी जाए, वो भी एक ऐसी हॉस्पिटल जिसमें क्वालिटी में कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मुझे याद है सोमेश जी, मुझे डॉक्टर साहब, हम लोग पूरी हॉस्पिटल देख के आए तो मुझे ये हॉस्पिटल देख के एकदम पूना की जहांगीर हॉस्पिटल याद आई। बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक हॉस्पिटल है और जो मेकिंग है वो जूने ज़माने का, लेकिन अंदर जो इक्विपमेंट है वो सबसे लेटेस्ट में लेटेस्ट। तो जो इक्विपमेंट मैं ब्रिज कैंडी में यूज़ करूँ या जसलोक में यूज़ करूँ या हिंदुजा में यूज़ करूँ या मेरे आस्था बेरियाट्रिक्स में यूज़ करूँ, वो सारे इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपके पास फैसिलिटी है, आपके पास ICU है इतना बड़ा जहाँ पर आप कार्डियक सर्जरीज करते हैं, जहाँ पर आप ट्रांसप्लांट शुरू करने वाले हैं, तो ये सर्जरी हम क्यों ना शुरू करें। तो हम भी हमेशा ऐसी हॉस्पिटल देखते हैं जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। सर, आप कितने साल से ऑपरेशन करते हैं और अभी तक कितना किए हैं? तो पहले तो मैं फॉर्चुनेट इनफ था कि इंडिया की फर्स्ट बेरियाट्रिक सर्जरी जो हुई उसका मैं फर्स्ट असिस्टेंट था। तो तभी ये सर्जरी बॉम्बे में नहीं हुई थी, ये सर्जरी हुई थी पूना में डॉक्टर श्रीहरि डोरे पाटिल ने, आज वो ऑपरेट इतना नहीं करते हैं। तो तभी ये ऑपरेशन खोल के किया जाता था, अब ये ऑपरेशन दूरबीन से, लेज़र से किया जाता है। तो मैंने ये सर्जरी, जब ही हमने ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी चालू की, तभी हम बॉम्बे में 2 जन थे और इंडिया में कुछ 14 जन थे जिन्होंने मिलके ये सर्जरी को इंडिया में शुरू किया है। ये सर्जरी मैं कर रहा हूँ पिछले 19 सालों से, 2002 दिसंबर से हम ये सर्जरी कर रहे हैं और अब तक करीबन 7,500 के ऊपर ऑपरेशन किए हैं और हमारा सेंटर उसे एक हाई वॉल्यूम सेंटर माना जाता है। हाई वॉल्यूम सेंटर जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस करते हैं लेकिन जहाँ पे प्रोटोकॉल थोड़ा भी बंग नहीं होता है, इसीलिए उसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का दर्जा भी दिया गया है। ये सर्जरी पूरी दूरबीन से की जाती है जिसमें हम बड़े चीरफाड़ नहीं होते, छोटे छोटे 4 या 5 या कभी कभी एक होल से पूरा ऑपरेशन किया जाता है। और जब भी हम ये ऑपरेशन करते हैं तो किसी का अगर सवेरे ऑपरेशन किया है तो वो शाम को चलने फिरने लग जाता है, दूसरे दिन तो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ सकता है अगर वो ऑपरेशन के पहले भी कर सकता था। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जिनको खराटे की तकलीफ़ होती है, जिनको रात को नींद बराबर नहीं आती है, जिनको हार्ट की तकलीफ होती है, ऐसे सब पेशेंट्स को हम ऑपरेशन के पहले फिट करते हैं और इनका ऑपरेशन करते हैं और उसका रिजल्ट ऐसा होता है कि ऑपरेशन के 1-1.5 महीने के अंदर आप देखोगे कि उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। और मैं हमारे पेशेंट्स को बहुत बार करता हूँ, इट इज़ लाइक एवरी डे ऑफ योर लाइफ इज़ बेटर देन द प्रीवियस डे। इतने आपके लाइफ में चेंज हो जाता है कि आपका हर दिन पिछले दिन से बेहतर होने को चालू हो जाता है। इसके अलावा ये जो होती है तो इसमें जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, ऐसा कोई लाभ मिलता है?
अभी तक सरकारी योजनाओं में ये नहीं आया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने सरकारी योजना में ये डाला हुआ है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो CGHS के एम्प्लॉयज है उनके पास अगर वो CGHS का कार्ड है तो उनको ये सर्जरी कैशलेस भी होती है या बाद में रीइंबर्समेंट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़े में बड़ी बात यह है कि आज जो शहर में आप रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, वापी हो, बॉम्बे हो, यहाँ पे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मेडिक्लेम है अंडर सर्टन क्राइटेरिया। अगर आप वो सर्टन क्राइटेरिया पूरे करते हैं तो आज मेडिक्लेम ने ये सर्जरी को अप्रूवल दिया है। हमारी जो ऑसी ओबेसिटी सर्जिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हमने बहुत मेहनत किया, 7 साल मेहनत किया, तब जाके IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमने कन्विंस किया कि ये बीमारी है, इसको कॉस्मेटिक सर्जरी मत समझिए, इसको लाइफ सेविंग सर्जरी समझिए। उन्होंने 1 अक्टूबर 2020 से बेरियाट्रिक सर्जरी को मेडिक्लेम में अलाउ किया है अंडर सर्टेन कंडीशंस, कि आपका वेट इतना होना चाहिए, आपका BMI इतना होना चाहिए, आपको साथ में ऐसी बीमारियां होनी चाहिए और आपकी पॉलिसी कम से कम 4 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर ये 4 या 5 कंडीशंस पूरे होते हैं तो आपको मेडिक्लेम मिल सकता है। हमने 1 अक्टूबर 2020 के पहले अगर हमारे 2000 पेशेंट्स ने मेडिक्लेम के लिए अप्लाई किया था, 20 जनों को मिला था। 1 अक्टूबर 2020 के बाद में अभी तक करीबन 110 पेशेंट्स को मिल चुका है सिर्फ 1 साल के।